पहले नमस्कार। दूसरी बात, अजय एल दुबे जी हमारे पुराने मित्र हैं। सेकंडली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ, लास्ट टाइम भी शायद आपसे बात हुई थी तभी मैंने एक ही चीज़ बोला था कि आज की तारीख में एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, या डिपार्टमेंट हो, या कोई भी जगह हो, या पॉलिटिकल हो, एक महिला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। महिलाओं का विकास हो रहा है। जो हमेशा कहीं ना कहीं एक घर के काम में दबे रहते थे, आज वो महिला आगे आ रही है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार से भी है, वो भी आगे आ रहे हैं इस चीज़ में। मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटियों को हमेशा आगे आप खड़ा रखिए। वो लक्ष्मी भी है, धनलक्ष्मी भी है, हर एक चीज़ में आपके जीवन में आगे बढ़ने की एक पीठ पीछे सपोर्ट उनका रहता है। आज उनको हमारा पुरुषों का एक काम है कि उनको एक आगे लेके आके उनको एक सम्मान दिया जाए। आप कहीं पर भी देखेंगे, आज एक मिलिट्री में भी एक महिला ऑफिसर है, वो बॉर्डर पे खड़ी रह के अपनी जान की परवाह या तो परिवार को ना देखते हुए, बच्चों को ना देखते हुए, वो आज देश के लिए कुछ कर रही है। तो मैं उनको शुभकामना दूंगा और हमेशा इस तरह से आगे बढ़े और आगे उनका जो फ़र्ज़ है वो निभाते रहे। घर में तो हमेशा निभाया ही है, परिवार के साथ एक आध देश के लिए भी आगे बढ़ के काम करें। आप क्या कहना चाहेंगे बेटी पढ़ाओ मन से, जिस तरह से अजय जी के द्वारा सम्मानित किया गया है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लेडीज़ को इतना सम्मान, इतना मान दे रहे हैं कि सब घर से आज बाहर निकले हैं सब। कोई लेडीज़ ऐसी है कि जो घर में ही रहती है, वो लेडीज़ भी आज आई है। सब अपना मान लेके काम के लिए उत्सुक है, सब अपने कर रहे हैं काम के लिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कोमल जी के लिए, सिंगल पेरेंट होते हुए भी आज घर की हर तकलीफ से लड़ते हुए आज यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमेशा तत्पर रहते आगे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में शुक्ला जी भी है, आशा शुक्ला जी भी। अब बोलिए जी।